क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए हमारे उस क्षेत्र के प्रभारी और संगठन के अमर नेता डॉक्टर नाग जी ने एक वहाँ के हर वर्ग के लिए अवसर तैयार किया था और आज उसी मैराथन का हम लोग ने आज जिन लोगों ने विजयी जो रहे उनको आज सम्मान किया गया। यूनिवर्सिटी इसको स्पॉन्सर की है, जो स्कूल है उनका भी इसमें साथ रहा है और वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने भी काफ़ी सराहनीय इसमें अपना योगदान दिया। तकरीबन हमको लग रहा है कि वो 2000 से ज़्यादा प्रतिभागी थे जिन्होंने भाग लिया। तो इस तरह से एक अनोखा कार्यक्रम बड़े शहरों में, कभी कभी छोटे कस्बों में भी इस तरह के लिए आयोजन किए जाते हैं एक टीम बेस पर। तो एक अवसर देने का यूथ में और ज़्यादा खेल के प्रति उनका रुझान बढ़े एक तैयारी किया था। डॉक्टर नाग को मैं अपनी ओर से बधाई देते हैं, इस तरह के और इनोवेटिव प्रोग्राम चलाते रहें ताकि हमारे क्षेत्र में खेल और खेल की प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिले। ये जो तमाम बच्चे हैं जिन्हें प्राइज मिला है, कैश प्राइज मिला है, ये कहाँ के मैराथन में भाग लिए थे और इन्हें आज सुप्रीमो के हाथों ये प्राइज मनी मिले हैं। और जो मुख्य आयोजनकर्ता है अशोक नाग जी, इस आयोजन के पीछे इनका ध्येय रहा है, क्या मकसद रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताएंगे ये जो आयोजन है आपका कांके मैराथन दौड़, ये कितने सालों से कर रहे हैं और क्यों करते आ रहे हैं? नहीं, ये इसका आयोजन पहली बार हो रहा है और हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी से मैंने जब इसके विषय में बातचीत की तो जैसे सिल्ली में हमारा गूंज महोत्सव होता है, खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं जिससे एक उत्साह का माहौल बनता है पूरे क्षेत्र में, उसी तरह से हम लोगों ने कांके क्षेत्र के लोगों में एक उत्साह का संचार करने के लिए और एक नैसर्गिक प्रतिभा जो हमारे बच्चों में छुपी हुई है उसको उभारने के लिए इस बड़े मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। तो सिल्ली का तो बात कुछ और है, वहाँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो आपका ध्येय क्या है सिल्ली? मैं वही बता रहा था ना आपको, सिल्ली मॉडल। नहीं, मैं वही बता रहा था कि हमारी प्रेरणा के स्रोत सुदेश कुमार महतो जी हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी भी शुरुआत स्क्रैच से की होगी। तो उसी तरह से हमने अपने कांके विधानसभा क्षेत्र में स्क्रैच से इस चीज की शुरुआत की और कांके मैराथन में कांके की जनता ने भरपूर साथ दिया और 2000 से अधिक प्रतिभागी उस दिन दौड़े। अच्छा, आप जो है अशोक नाग हैं, आजसू के अगर बात करें तो आजसू के आप पुराने चावल कहे जा सकते हैं, लेकिन अभी अभी फिर से रीज्वाइन घर वापसी किए हैं, तो बीच में जो वनवास था वो क्यों था? नहीं, बीच में जो वनवास था वो मेरा एक तरह से राजनीतिक विराम ही कहिए, वो राजनीतिक विराम था, लेकिन सुदेश कुमार महतो जी के आग्रह पे और उनको अपना मैं मानता हूँ कि वो इस झारखंड के को एक नई दिशा जो अगर कोई दे सकता है तो वो सुदेश कुमार महतो जी हैं। तो आज अगर उनको हमारी ज़रूरत है तो निश्चित रूप से एक सच्चे सिपाही के रूप में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो आगे जो है गूंज महोत्सव की आप तुलना की अपने मैराथन दौड़ की, तो आगे इसी तरह का कार्यक्रम होता रहेगा या फिर इससे बढ़कर होगा? नहीं, इससे मैं वही कह रहा हूँ, मैंने उससे कंपेयर नहीं किया, मैंने उससे प्रेरणा लेकर एक छोटी शुरुआत की है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग अपने कार्यक्रम को धीरे धीरे बड़ा और भव्य बनाएंगे। बड़ा और भव्य होगा निश्चित रूप से। और यहाँ पर जो बच्चे और बच्चियाँ हैं जो फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, सब तरह का प्राइज मिला है, इनको पहला प्राइज मिला है लड़की वर्ग में। बताएंगे ये जो आपको प्राइज मिला है तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। मेरा नाम ममता कुमारी है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। चलिए, ये ममता कुमारी हैं, ये फर्स्ट प्राइज जीती हैं और लड़का वर्ग में फर्स्ट प्राइज इनका है। बताएंगे कि ये जो इस तरह का आयोजन होता है, इस तरह का अवसर अगर मिलता है तो क्या फ़ायदा आपको होगा? सर, ऐसा टूर्नामेंट वगैरह खेलने से ऐसा मतलब बहुत कम मौका मिलता है सर, झारखंड में बहुत कम गेम ऐसा होता है। हम लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, अभी पिछले लगभग 4-5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस लाइन पे, और ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि हम लोग को लोकल क्षेत्र में खेलने का मौका मिलता है। तो हम सर का बहुत धन्यवाद देंगे कि लोकल क्षेत्र में ऐसा कंपटीशन कराएँ, बहुत अच्छा लगा सर। ऐसा मतलब जो प्राइज सेरेमनी है सर, ये तो मतलब कहने के लिए है, बट ये हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है ना सर, वो हम ही को पता होता है। चलिए, इन युवाओं को इंतजार था ऐसा कार्यक्रम इनके क्षेत्र में हो, देर ही सही, पहली बार ये हुआ है और आने वाले समय में इस तरह का कार्यक्रम और भी होगा, ये कहना है अशोक जी का। देखने की बात होगी कि आने वाले समय में ये किस तरह का कार्यक्रम करते हैं और युवाओं की भागीदारी किस तरह की होती है। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।